राधे कृष्णा दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि बिल्कुल ये बात किसी की मत मानिए कि कलयुग है और भगवान के दर्शन इसमें नहीं हो सकते। हम कलयुगी है इसलिए गीता जैसा महाभागवत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वरना गीता के लिए तो समस्त देवता तक तरसते हैं। तो कलयुग किसके लिए है? जो झूठ बोलता है, जो नास्तिक है, जो हिंसा करता है, जो मांस मदिरा गांजा लेता है, जो स्त्री गमन करता है, इन सब के लिए कलयुग है। आप खुद देखिए, जहाँ चोरी होती है खून होता है, अत्याचार होते हैं, झगड़े होते हैं, वही कलयुग का वास है। इसलिए वो सब दुखी है, वरना किसी वैष्णव के घर जाके देखिए, स्वर्ग से कम नहीं है वो घर, जहाँ केवल और केवल सुख और शांति विराजती है। यदि आप शास्त्र विरुद्ध आचरण करने में लग गए तो समझो आप कलयुग में प्रवेश कर गए। भजन ना करना, हिंसा करना, शराब पीना, स्त्री अत्याचार, परस्त्री गमन, ये सारे लक्षण एक शुद्ध कलयुगी पुरुष के हैं। पर यदि आप नाम जप करते हैं, आप भगवान नाम का गुणगान करते हैं, लीला श्रवण करते हैं, प्रभु की सेवा में मग्न रहते हैं, तो आप चारों युगों से परे हैं। आप महात्मा हैं, कोई भी युग का आपके ऊपर प्रभाव नहीं है, क्योंकि आप सच्चिदानंद तत्व में स्थित है। आप इस त्रिभुवनमयी रचना से परे है, आप गुण अंकित है। किंतु जो ये कहते हैं कि कलयुग में भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, परंतु कलयुग में सबसे सरल है भगवत प्राप्ति। भगवान श्री व्यास देव जी महाराज गंगा में खड़े रह के कहते हैं मुनियों को कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है, धन्य है वो जिनका जन्म कलयुग में हुआ है। तो मुनियों ने प्रश्न किया, महाराज जी कलयुग तो बड़ा निंदनीय है, तो आप कलयुग की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तो भगवान व्यासदेव जी बोले, हे मुनियों, जो भगवत प्राप्ति का फल सतयुग में निरंतर 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या करने पे प्राप्त होता था, तथा जो त्रेता में अखंड 1,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य और निरंतर मंत्राकार वृत्ति से प्राप्त होता था, और द्वापर में 1 मास तक पूर्ण ब्रह्मचर्य मंत्राकार वृत्ति से और पवित्रता से जो भगवताकार का आभास प्राप्त होता था, परंतु हे मुनियो, कलयुग में 1 दिन रात में केवल अखंड नाम कीर्तन 24 घंटे ब्रह्मचर्य में रह के करे तो उसे भगवताकार वृत्ति प्राप्त होती है। पर ये है बहुत कठिन, क्योंकि 24 घंटे निरंतर मन नाम में नहीं लगता। इसलिए हम आज कलयुग में हर रोज अभ्यास कर रहे हैं, पर एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि 24 घंटे सिर्फ नाम मुख में हो तो जो सतयुग में 10,000 वर्ष तपस्या का फल था वो प्राप्त होता है, जो त्रेता में 1 वर्ष निरंतर मंत्र जप का फल था वो प्राप्त होता है, जो द्वापर में 1 माह तक निरंतर मंत्र जप का फल था वो प्राप्त होता है। इन सब की फल की प्राप्ति कलयुग में सिर्फ 1 दिन में होती है। मतलब कलयुग का निरंतर 1 दिन का भजन सतयुग के 10,000 वर्ष के निरंतर भजन के समान है, ऐसा व्यास जी कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। मित्रों, धन्य हो आप सब जो कलयुग में भजन कीर्तन कर रहे हैं और नाम में परायण है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, तो द्वापर में पूजा से जो फल मिलता था वो कलयुग में केवल नाम जप से मिलता है। केवल नाम कीर्तन से सभी वस्तु की प्राप्ति होती है। कलयुग सब जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम नाम गुनगन विमत भोतर नहीं प्रयास। अर्थात कलयुग के समान कोई युग नहीं यदि आप विश्वास करो तो, क्योंकि इसमें भगवान नाम से वो परम पद मिलता है जो अन्य युगों में बड़ी बड़ी तपस्या करने से भी दुर्लभ था, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। इसलिए कभी कोई ऐसा विचार ना करे कि कलयुग में भगवत प्राप्ति नहीं होती। जो प्रभु का स्वीकार किए हुए है उनके लिए कलयुग नहीं है। बोलिए श्री राधे, शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।